हेलो फ्रेंड्स, पाठशाला के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, DSSB LDC का जो एग्ज़ाम जो 18 तारीख को हुआ था, उसके फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के क्वेश्चन हमारे पास मौजूद हैं। उनके मतलब आपके करंट अफेयर, GK GS और मैथ्स और रीजनिंग के समथिंग, मतलब एक बेटर आइडिया के लिए कि क्वेश्चन कैसे आए थे। तो मैंने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं स्टूडेंट्स से। जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा कि ब्लैक स्पाइडी जिनकी आईडी है, एक है दीपिका। थैंक यू सो मच गाइस, ताकि ये सब क्वेश्चन अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में बाकी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन में गलती लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं मैंशन कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कुछ कुछ क्वेश्चन धुंधले जैसे थे, जैसे कि कुछ उनको शायद याद नहीं था, लेकिन एक एरिया उन्होंने बता दिया कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से है, तो मैं आपके लिए ये लाया हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, कोणार्क टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है, तो उड़ीसा में। सेकेंड में आप देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट टेन्योर कितना होता है, तो 5 साल। और अगर इसकी बात की जाए तो इनका टेन्योर ऐसा भी है कि ये बियॉन्ड इनके 5 साल से एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 5 ईयर दिया हुआ हो, जो कि वन डे एग्ज़ाम में दिया जाता है, तो आपको 5 ईयर ही आंसर होगा। ओके गाइस, ऐसे ही अकॉर्डिंगली वो बढ़ सकता भी है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। अगर हम देखिए, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज द प्रेस क्लास, यहाँ आप देख सकते हैं 1930 है, तो आप इसको देख सकते हैं। एडिशन ऑफ एसिड विद बेस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। रिमूविंग सिलिका फ्रॉम सॉइल, डिसेलिकेशन। फिर आप देख सकते हैं इन विच स्टेट बराक रिवर, ये बराक रिवर शायद आपके नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में है। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब ब्लैक स्पाइडी करके उनकी आईडी से मैंने यहाँ से कॉपी की है, उनसे मतलब इंफॉर्मेशन लेकर, ताकि आप लोग तक ये चलिए आ सके। अब यहाँ देख सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका रिलेटेड टू विच पार्ट। तो जहाँ जहाँ से स्टूडेंट्स से मतलब बताते गए वह वैसे वैसे मैं यहाँ डाल दिया हूँ। ओके फ्रेंड, तो सिविल कोड आप जानते हैं आर्टिकल 44 में आता है। आर्टिकल 44 में कौन सा है? DPSP, DPSP है पार्ट 4 में, याद रखेंगे ठीक है। आर्टिकल 18 से क्वेश्चन आया था, तो आर्टिकल 18 से है एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल, आप भी ध्यान देंगे। अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल होगा, वहाँ फ्रीडम नहीं होगा, फ्रीडम में 19 में होगा, 19 का क्लॉज में आता है आर्टिकल 19 में, फ्रीडम ऑफ स्पीच ठीक है। यहाँ है आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 है एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल। फिर देख सकते हैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का हुआ था, केन विलियमसन रहे थे, और फाइनल में जो थे बेन स्टोक थे। कंट्री जो प्ले नहीं की थी वर्ल्ड कप में वो जिम्बाब्वे थी। मन की बात पीएम मोदी हर कोई जानता है, सॉरी फ्रेंड। फिर क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके, ये देख सकते हैं 12:30 से 2 बजे वाला शिफ्ट जो था, पता नहीं ये सेकेंड शिफ्ट या फर्स्ट, फर्स्ट था क्योंकि सेकेंड में उन्होंने दिया था। ये आप देख सकते हैं बुक आई थी इम्परफेक्ट, रिटन बाय संजय मंजरेकर, ये आप जानते हैं। सोमनाथ टेम्पल देख रहे हैं आप, टेम्पल से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि ऊपर वाले में था कोणार्क कहाँ है, नीचे आ गया सोमनाथ, तो टेम्पल रिलेटेड क्वेश्चन को ध्यान रखें, सब DSSB के कोई भी एग्ज़ाम के लिए इधर फोकस्ड हो। फिर आप देख सकते हैं इन विच सेशन जवाहरलाल नेहरू डिमांडेड पूर्ण स्वराज, तो लाहौर सेशन 1929 में। ओके, हेडक्वार्टर UNDP का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सॉरी न्यूयॉर्क में है, USA में। फिर चेयरमैन रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन था, चेयरमैन से रिलेटेड करके आया हुआ था यहाँ, ये आप देख सकते हैं कि क्या आया था ठीक है। तो चेयरमैन सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन आप देख सकते हैं। स्नूकर के प्लेयर का भी आया था ऑप्शन में कि कौन स्नूकर के प्लेयर हैं, जैसे मैंने यहाँ से गूगल किया था तो यहाँ पे पंकज अडवाणी आप भी, ये तो फेमस हैं, गीत सेटी भी फेमस हैं, और लड़की में इनका तो आप जानते ही होंगे अनुजा ठाकुर का, तो ऐसे ही जितने नाम हैं आप ध्यान रख सकते हैं, आदित्य मेहता, मनन चंद्रा, अनुजा ठाकुर, एरन ट्रक सांचेस, इन लोगों का नाम इम्पॉर्टेंट है। और भी गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन से प्लेयर किस गेम से रिलेट करते हैं, तो प्लेयर के नाम थोड़ा कोशिश कीजिए याद कर सकें। फिर RBI और कुछ मतलब फार्मर रिलेटेड कोई भी ऐसा था, मतलब ये भी धुंधला धुंधला सा क्वेश्चन था, तो मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया है जो मार्च में ऐसे आया हुआ था। RRB ने नोटिफाई किया है सभी बैंकों को,
2% सब्सिडी फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन ड्यूरिंग 2018-19 और 2019-20 के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। फिर स्कीम रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे थे, जैसे कि फार्मर्स लेबर रिलेटेड जो भी स्कीम है, जैसे कि फार्मर रिलेटेड आपका पीएम किसान हो गया, लेबर में मानधन योजना, ये सब टाइप का जो भी है योजना रिलेटेड आप क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड अमेंडमेंट में, तो फंडामेंटल राइट्स 7 था पहले, आप भी जानते हैं, लेकिन उसके बाद चेंज होकर 6 हुआ। ये 6 हुआ, ये अमेंडमेंट हुआ कब, तो 44वां अमेंडमेंट में हुआ था, ठीक है, 44th, याद रखेंगे। तो 44th कभी पूछता है इसका, कभी कभी ईयर पूछता है, तो याद रखेंगे ईयर है 1978। कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे, अब हमेशा लगभग लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि 42 अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट कब हुआ था, तो लोग यहाँ तक तो ध्यान रहता है कि 1970s में है, तब अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि 76 है, 78 है, 72 है, कितना है, तो आप सीधा सीधे ध्यान रखेंगे, जैसे 42 है ना, तो 4 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 1976, ठीक है, ये मैं 42 का बता रहा हूँ। फिर अगर और 44th वाला है, यहाँ देखेंगे 4 4 को जोड़ देंगे तो ये 8 मिल जाएगा यहाँ होगा, तो 1978 44, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा इस पर, ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 44th अमेंडमेंट रहा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट 7 से 6 हो गया था। मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, इससे रिलेटेड कुछ था पता नहीं, शायद इसका टेन्योर ही पूछा था, तो ग्राम पंचायत के जितने भी मेंबर हैं 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो टेन्योर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखेंगे, जैसा हमने पिछले में देखा था कि सॉइल में सिलिका या समथिंग कुछ करके था, उसको कैसा है, रिमूवल ऑफ सिलिका, हाँ सिलिका फ्रॉम सॉइल, ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ जोड़ दिया हूँ कि रेगुलर सॉइल भी इसको बोलते हैं, बट शायद आया था कि कॉटन के लिए ही ये फेमस है, मतलब किस प्लांटेशन के लिए फेमस है, तो कॉटन के प्लांटेशन के लिए फेमस है। फिर फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि रीजनल फेस्टिवल होते हैं उनके, जैसे लोसांग हो गए, ये आपके चेरी ब्लॉसम हो गया शायद नागालैंड का, इस टाइप के जितने भी फेस्टिवल हैं जो रीजनल रीजनल फेस्टिवल होते हैं वो याद रखेंगे, जैसे कि आंध्र प्रदेश में या जल्लीकट्टू वगैरह, तमिलनाडु वगैरह, ऐसे टाइप का समझ में आ रहा है, तो फेस्टिवल ध्यान रखेंगे, चौड़ल सॉरी। फिर आप देख सकते हैं यहाँ एक, अब ये आते हैं थोड़ा, रिएक्शन सेल आयरन क्लासिकल डांस, देखिए रिएक्शन में समथिंग आया हुआ था कि आयरन प्लस समथिंग बन के क्या बनता है, इस तरह का रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर सेल से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल्स या समथिंग, कोई सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन था कि किस में होते हैं किस में नहीं होते हैं, ऑप्शन वगैरह प्लांट्स एनिमल वगैरह इस टाइप का था, जैसा मुझे बताया गया, ठीक है। फिर डैम रिलेटेड था कि कौन सा डैम किस नदी पर है, शायद वो डैम भी शायद धुंधला से पता नहीं, आप डैम को देख सकते हैं इससे रिलेटेड करके, ठीक है। क्लासिकल डांस कैसा है, कौन सा क्लासिकल डांस है, इस टाइप का भी कुछ आया था या रीजन वाइज कर कर। फिर ये नेशनल पार्क है शायद माधवगढ़ नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क ये है एमपी में है, यह आया हुआ था कि कहाँ पर है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है। तो जीएस मतलब रिलेट कर रही है स्टैटिक पॉइंट से, बहुत ही थोड़ा बहुत हल्का बोल सकते हैं, इधर उधर है बाकी, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट है, जनरली लोग तैयारी करते हैं ये सब, सब जानते हैं, डैम क्लासिकल डांसेस सेल रिलेटेड क्वेश्चन यूनिफॉर्म ये अमेंडमेंट पार्ट आर्टिकल्स, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा चौंका सकते हैं आपको, बाकी टेन्योर वगैरह टेंपल कहाँ है ये सब आपको सबको पता है, और जो करंट रिलेटेड क्वेश्चन है तो सही है, ठीक है। अब आते हैं देख सकते हैं मैथ्स से जो क्वेश्चन आया था, जनरली आए थे टाइम एंड वर्क के, प्रॉफिट लॉस, CISI रेशियो, पार्टनरशिप, डिस्टेंस, टाइम, जिसमें कि ट्रेन वाले क्वेश्चन की एक ट्रेन दूसरे को कैचअप करती है कितने सेकंड में कितने टाइम में। फिर LCM HCF से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, लोगों ने बताया कि 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग में आप देख सकते हैं तो बर्ड मास से रिलेट करके, मतलब वो नंबरिंग दे दिया है बर्ड मास का थ्योरम लगा के कि कौन पहले, उसका जो ऑपरेशन होता है उसके हिसाब से आंसर लाना था। एनालॉगीज वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, डाइस का प्रॉब्लम आ रहा है, डायरेक्शन में एक में डायरेक्शन में था एक डायरेक्शन और एक में जो डिस्टेंस कितने तय कर रहे हैं वो लोग मीटर में, वो टाइप के डायरेक्शन, दो क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन अच्छे खासे थे, अल्फाबेटिकल सीरीज थे। फिर ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन है कि वोमेन मदर फादर, इसको कैसा होगा, तो ये देख सकते हैं ऐसा होगा, या आप भी जान सकते हैं वोमेन में मदर बनेंगी फिर और फादर अलग होंगे उनका,
ठीक है दोस्तों, जैसा है कि हमने कोशिश किया लोगों से कलेक्ट कलेक्ट करके क्वेश्चन आपके सामने रखने का, तो थैंक यू सो मच गाइस जिनसे मैंने क्वेश्चन लिया, जैसे ब्लैक्स आइडिया और दीपिका, थैंक यू सो मच। और आगे भी अगर इस तरह का कुछ आता है तो मैं ज़रूर अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको कुछ सच में जैसे कुछ और मिसिंग हो रहा है, कुछ और अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करें, और कहाँ गलती हुई है क्वेश्चंस में और कुछ क्वेश्चन ऐड करने हैं आप प्लीज़ मेंशन करते रहें, कौन कौन क्वेश्चन और ऐड अप करने हैं अगर आप भी दे रहे हैं एग्ज़ाम वगैरह। तो थैंक यू सो मच, आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट सभी को, बाय गाइस।